नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं यूपीपीएससी एई का जो कल एग्जाम हुआ है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेपर फर्स्ट। तो हम लोग ऑलरेडी 1 से 25 क्वेश्चन तक देख चुके हैं, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, अ सर्कुलर सॉलिड रॉड ऑफ द डायमीटर डी वेल्डेड टू ए रिजिड फ्लैट प्लेट बाय सर्कुलर फिलेट वेल्ड ऑफ द थ्रोट थिकनेस टी इज सब्जेक्टेड टू ए ट्विस्टिंग मोमेंट। तो ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है। एक्चुअली ऐसा कुछ केस है, फ्लैट प्लेट है और ये यहाँ पर वेल्ड किया हुआ है इसको सर्कुलर प्लेट से। तो यहाँ इसमें बताना है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होगा। तो देखिए, टाउ अपॉन आर इज इक्वल्स टू टी अपॉन जे। तो टाउ अपॉन आर इज इक्वल्स टू टी अपॉन जे। जे कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर और टी। ये आर से आर कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू डी बाई टू। तो टू टी अपॉन पाई डी और टी। तो टाउ इज इक्वल्स टू टू टी अपॉन पाई डी टी, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है नॉच सेंसिटिविटी क्यू इज एक्सप्रेस टेस्ट। तो नॉच सेंसिटिविटी होता है के एफ माइनस वन अपॉन के टी माइनस वन। तो बी ऑप्शन, ए शाफ्ट ऑफ द डायमेंशन इतना दिया हुआ है, द रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ द फंडामेंटल डेविएशन एंड टॉलरेंसेज। तो देखिए, फंडामेंटल डेविएशन जो होता है पास की वैल्यू होती है। तो अगर अपना शाफ्ट ऐसा कुछ दिया है जिसमें कि 35 माइनस में इतना है, तो अगर इसको हम 35 बोलते हैं तो ये है ऐसा कुछ, तो -0.009 से -0.025, मतलब इसमें फंडामेंटल डेविएशन होगा 0.009। तो फंडामेंटल डेविएशन होगा 0.009 और टॉलरेंस हो जाएगा, टॉलरेंस ये टोटल लिमिट है दोनों के बीच का। तो दोनों के बीच का 25 माइनस 9 करेंगे तो 16, तो आएगा -0.016। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 0.016। फिर अगला, अ थिन वॉल्ड स्फेरिकली सब्जेक्टेड टू एन इंटरनल प्रेशर इतना रेडियस। देखिए इसमें हमको निकालना क्या है, परसेंटेज चेंज इन द सर्कमफ्रेंशियल हुप स्ट्रेस। तो सिग्मा हुप इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है पी डी अपॉन टू टी। ठीक, तो वैसे टू उस मतलब है नहीं, डी अपॉन टी देख लीजिए। तो डी इंक्रीज कर देगा कितना, 1%, तो 1.01। और टी की वैल्यू कितना है, थिकनेस रिड्यूस कर रहा है 1%, मतलब 0.99। तो 11 अपॉन 0.99 करेंगे, 1.01 डिवाइड बाई 0.99, तो कितना आएगा, तो इसको डिवाइड करने के बाद आ रहा है 1.0202, 1.0202, मतलब अगर कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, तो 2.02% इंक्रीज हो रहा है। तो डी ऑप्शन, इफ एन वन डिस्क शाफ्ट एंड एंटी डिस्क ऑन द ड्रिवन शाफ्ट, तो टोटल नंबर ऑफ पेयर इन कॉन्टेक्ट एन वन प्लस एन टू माइनस वन। बी ऑप्शन। फिर है व्हेन ए हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग इज कट इनटू द हाफ द स्टिफनेस ऑफ द रिजल्टेड स्प्रिंग। तो देखिए, अगर आप जितने पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उतने टाइम्स उसका स्प्रिंग का स्टिफनेस के की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ हो जाएगा, डबल हो जाएगा, टू पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो फिर अगला क्वेश्चन है 32nd नंबर, क्रोमियम इज एन एलॉइंग एलिमेंट इन द एलॉय स्टील इज यूज प्रिंसिपली टू इम्प्रूव द। तो देखिए, क्रोमियम कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए रहता है, कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी इंक्रीज करता है, तो इम्प्रूव द कोरोजन रेजिस्टेंस एंड ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस। फिर है कंपोजिशन ऑफ सम ऑफ द एलॉय स्टील अंडर। तो देखिए, एलॉय स्टील हाई स्पीड स्टील के लिए बोल रहा है। तो देखिए, हाई स्पीड स्टील में 18-4-1 ये तो होता ही है, वन ऑप्शन। फिर इसमें देखिए, मोलिब्डेनम 12% और 5%। तो हमेशा ध्यान रखें कि मोलिब्डेनम की जो क्वांटिटी है वो लेस देन रहेगा 10% से। तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, तो 1 एंड 3। ईएससी में क्वेश्चन आ चुका है, द मटेरियल विच शोज द डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। तो डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टी मतलब एनिस्ट्रॉपिक। फिर एटॉमिक रेडियस ऑफ ए फेस सेंटर। तो देखिए, एफसीसी यहाँ पर स्ट्रक्चर है, तो एफसीसी में एक अगर कुछ ऐसा है तो यहाँ रखा हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ से टोटल हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2a² इज इक्वल्स टू ये 2r और ये इधर 2r, तो 2 2 4, 4r। और तो कितना हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू, देखिए इसको थोड़ा सही से देख लेते हैं एक सेकंड। तो अगर कोई कुछ ऐसा करके है स्ट्रक्चर, ठीक ना, तो ये एक रहा और यहां से फेस सेंटर्ड है, तो ऐसा कुछ बनेगा। ठीक,
ये ए है और ये पाइथागोरस लगाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 2a² इज इक्वल्स टू ये टोटल वैल्यू, तो 2r इसका हो गया और एक आर इधर है, एक आर इधर है, मतलब दो दो 4r, तो 4r का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट टू ए अपॉन फोर तो इज इक्वल्स टू आर, तो रूट टू ए बाई फोर ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ द स्टील इज नॉट प्रेजेंट इन द आर्क कार्बन डायग्राम, तो देखिए फेराइट, पारलाइट और ऑस्टेनाइट, सीमेंटाइट, मार्टेनसाइट। तो मार्टेनसाइट इसमें नहीं रहता आयरन कार्बन डायग्राम में, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। द मशीन टूल गाइड वेज आर यूजली हार्डन बाय, तो इसमें हो जाएगा फ्लेम हार्डनिंग, बी ऑप्शन। ट्विन बाउंड्रीज आर द टाइप ऑफ द डिफेक्ट, तो ट्विन बाउंड्रीज में देखिए सरफेस डिफेक्ट है, लाइन डिफेक्ट होता है, एज एंड स्क्रू और पॉइंट डिफेक्ट शॉर्ट के फ्रेंकल वाले हैं, तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला है द फंक्शन ऑफ द इंटरपोलेटर इन द सीएनसी, देखिए गेट में बहुत बार आ चुका है, तो कंट्रोल द फीड रेट, फीड रेट होगा बी ऑप्शन। फिर इसमें कैलकुलेशन ऑफ द मटेरियल रिमूवल रेट इन द ईडीएम, सप्लाई वोल्टेज आर यूज्ड 60 वोल्ट एंड द प्लेस ऑफ द एक्चुअल 40 है और हमने सप्लाई कर दिया है 60, तो बताना है एक्चुअल टू द कैलकुलेटेड, तो देखिए प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर होता है इसमें जो डिस्चार्ज की वैल्यू है, तो कितना हो जाएगा 4 × 16 और 6 × 36, तो मतलब 4 × 16 चार नहीं है 36, मतलब 4/9, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर स्टेट पोलैरिटी, तो देखिए स्टेट पोलैरिटी में डायरेक्ट करंट में आता है स्टेट पोलैरिटी तब जब वर्कपीस कनेक्ट हो पॉजिटिव से और इलेक्ट्रोड कनेक्ट हो निगेटिव से, तो डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव, सी ऑप्शन। गुड मशीनेबिलिटी रेटिंग वुड इंडिकेट, तो गुड मशीनेबिलिटी रेटिंग में क्या है, हाई पावर कंजम्पशन, तो हाई नहीं होना चाहिए, लो पावर कंजम्पशन रहता है, तो लो पावर रिक्वायरमेंट। सरफेस फिनिश अच्छी रहनी चाहिए, टूल लाइफ ज्यादा रहना चाहिए, तो लॉन्ग टूल लाइफ बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर 43rd नंबर में देखिए कि ब्लैंक फोर्स रिक्वायर्ड टू पंच द 10 mm डायमीटर होल इन द स्टील शीट 3 mm थिकनेस गिवन द सीयर स्ट्रेंथ, तो देखिए इसमें हमको क्या निकालना है, फाइंड द ब्लैंकिंग फोर्स, तो ब्लैंकिंग फोर्स एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जितना हम सीयर दे रहे हैं इंटू जो अभी फोर्स है अपॉन इसमें सीयर प्लस पीटी, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे क्या आ जाएगा, तो सीयर कितना दे रहे हैं 2 mm, तो 2 × फोर्स कितना है, तो फोर्स के लिए 400 × π × d, डी कितना है 10 × t, टी कितना है 3 mm अपॉन में फिर सीयर प्लस पीटी, परसेंटेज ऑफ पेनिट्रेशन 0.4 × 3, तो 4 × 3 = 1.2 टोटल हो जाएगा, ये नीचे डिनोमिनेटर में 3.2 और ऊपर इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 22.6, ए ऑप्शन। अगला है इफ द स्पीड ऑफ द मशीनिंग कंबाइंड सीमेंटेड टेलर टू लाइफ दिया हुआ है 0.25 और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि स्पीड हमने हाफ कर दिया है तो टाइम बताना है, तो देखिए अगर आपने स्पीड हाफ कर दिया है तो V by 2 और जो टाइम रहेगा तो t dash to the power of 0.25 is equals to V into t to the power of 0.25, तो V से V कट गया और 2 उधर जाएगा तो 2 to the power of 1 divided by 0.25 into t is equals to t dash, तो 0.25 कितना हो जाएगा पावर में 4, तो 2 to the power 4 मतलब 16 t, तो कितना हो जाएगा 16 times, D option। विच आर द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस फ्लक्स इज फिड सेपरेटली, तो सबमर्ज डार्क वेल्डिंग हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग ऑपरेशन डज नॉट यूज जिग, तो टर्निंग में जिग का यूज नहीं करते। फिर इन द मशीनिंग ऑपरेशन ऑफ पाथ ऑफ जनरेटिक्स एंड द डायरेक्ट्रिक्स आर द सर्कुलर, तो देखिए यहाँ पर दो ही ऑप्शन होने का चांस था, सिलेंड्रिकल या सर्फेस रेवोल्यूशन, तो सिलेंड्रिकल अगर सर्कुलर है, जनरेटिक्स मतलब टूल जिस तरीके का मूवमेंट कर रहा है तो उससे जो पाथ बन रहा है तो उसको जनरेटिक्स बोलते हैं, और डायरेक्ट्रिक्स मतलब कि वर्कपीस का मोशन, तो अगर टूल सर्कुलर बना रहा है और वर्कपीस अगर सीधा चला जाएगा तो इसी तरह सर्कुलर पूरा बन जाएगा, मतलब कि एक सिलेंडर का शेप बनेगा, तो सिलेंड्रिकल हो जाएगा। फिर है क्रिटिकल पाथ मेथड इज गुड फॉर, तो देखिए क्रिटिकल पाथ मेथड इज गुड फॉर द लार्ज एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट ओनली, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर टर्म वैल्यू इन द इंजीनियरिंग रिफर्स टू, तो यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ये सही है। फिर क्लासीफाई द एबीसी एनालिसिस, तो एबीसी एनालिसिस यूजर्स वैल्यू के हिसाब से होता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंडस्ट्री प्रोड्यूसर्स 300 स्पार्क, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम इंडस्ट्रियल में डिस्कस कर चुके हैं, तो 15/16 होगा।
फिर इन द सैम्पलिंग इंस्पेक्शन ऑफ द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव दैट कैन बी ट्रीटेड सेटिस्फैक्टरी, तो एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल हो जाएगा, एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल एक्यूएल, तो बी ऑप्शन। फिर ये प्रीवियस ईयर में भी वैसे आया हुआ था। टेक्नोलॉजी दैट अप्लीकेशन ऑफ द मैकेनिकल इलेक्ट्रोड एंड कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम टू कंट्रोल एंड ऑपरेट द सिस्टम इज कॉल्ड, तो ऑटोमेशन। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस प्रोड्यूसेस इंक्रीमेंटल मोशन थ्रू इक्वल पल्सेस, ईएससी में कई बार आता है, स्टेपर मोटर। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ स्कारा रोबोट, ये भी ईएससी क्वेश्चन है, 4 हो जाएगा इसमें। फिर हॉल सेंसर इफेक्ट आर यूज टू मेजर, तो क्या मेजर करता है, स्ट्रेंथ मेजर करता है, एंगुलर वेलोसिटी, पोजिशन, तो ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला है वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन ए पार्टिकल इज इक्वल्स टू द, तो ये हो जाएगा इक्वल टू द मैकेनिकल एनर्जी, बी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन है, इफ डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स सिस्टम ऑन ए बीम इज रिप्लेस्ड बाय स्टैटिकली इक्विवेलेंट फोर्सेस सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम फॉर बोथ द बीम्स, तो इसमें हो जाएगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, सही है। फिर अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ ए स्पैन एल सब्जेक्टेड टू ए मोमेंट एम नॉट एट डिस्टेंस एल बाई फोर फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो इसमें एल दिया हुआ है, एल बाई फोर डिस्टेंस पे मोमेंट लग रहा है एम, तो हमको बताना है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ द बीम। तो देखिए इसका कुछ ऐसे बनेगा, तो 3m0/4, ठीक है। इसमें क्या होगा कि हम पहले रिएक्शन निकाल लेंगे, तो R इंटू एल इज इक्वल्स टू क्या जाएगा, m0, तो R इज इक्वल्स टू m0/L, तो ये हो जाएगा m0/L। फिर यहाँ से हम मोमेंट निकालेंगे इस पॉइंट पे, तो क्या हो जाएगा, ये l/4 है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 3l/4, तो m0, 3m0/4, और फिर माइनस m0 करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा माइनस m0 करेंगे तो m0/4, तो मैक्सिमम हो जाएगा 3m0/4। फिर अगला क्वेश्चन है, ए गन ऑफ मास 3000 kg फायर्स हॉरिजॉन्टली, ए सेल ऑफ मास इतने केजी विद वेलोसिटी ऑफ इतना, व्हाट इज द वेलोसिटी विथ विच द गन रिकॉइल, तो देखिए इसमें हम मोमेंटम कंजर्व कर देंगे, तो m1v1 + m2v2 इज इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा 3000 × इसका वेलोसिटी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 50 × 300, आ जाएगा -5 m/s, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो 10 और 10 पच्चीस 50 -5, तो इज इक्वल्स टू वी, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, ए बॉडी ऑफ मास m10 kg इज इनिशियली स्टेशनरी ऑन अ 45 डिग्री इंक्लाइंट प्लेन, ऐसा कुछ दिया हुआ है, कोफिशियंट दिया है 0.5, बॉडी स्लाइड्स डाउन इंक्लाइंट प्लेन, तो देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हमको निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, तो एम जी इधर लग रहा है, एम जी कॉस थीटा ये हो जाएगा, एम जी साइन थीटा, इधर साइड लगेगा म्यू एम जी कॉस थीटा, नीचे आने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन इधर साइड लगेगा। अब देखिए जो एम जी साइन थीटा है माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, तो टोटल फोर्स हो गया, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, जितना लग रहा होगा, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, तो ये आ गया अपना एक्सेलरेशन। अब टोटल हमको निकालना है डिस्टेंस, तो यहाँ से हम एनर्जी बैलेंस कर देंगे, तो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, वी कितना है 20, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन हमने अभी निकाला, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, तो मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया, और ये हो गया फोर्स, और फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस एस, यही एस हमको फाइंड करना है, तो सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो एम से एम कट गया, तो 20 20 हमें 400, 400 डिवाइड बाई 2 मतलब 200, 200 इज इक्वल्स टू जी कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा, तो थीटा 45 है, तो 1/√2, तो जी / √2,
और इंटू 1 माइनस म्यू, तो म्यू की वैल्यू 0.5 है, मतलब 0.5 इंटू डिस्टेंस। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो एस की वैल्यू आ जाएगी 57.66। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा बी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन है, अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ एल कैरीज अ यूनिफॉर्मली वेरिएबल लोड ऑफ इंटेंसिटी डब्ल्यू नॉट एक्स ओवर द एंटायर स्पेस, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ द बीम। तो देखिए इसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है, तो देखिए इस तरह के केस में सीधे आप लोग अगर स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखें तो ज्यादा फायदा है, कि जैसे मैक्सिमम इसका जो बेंडिंग मोमेंट होगा तो एक्स इज इक्वल्स टू एल अपॉन रूट थ्री पर होता है, ठीक। और जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का जो वैल्यू आता है तो वो रहता है डब्ल्यू नॉट एल स्क्वायर अपॉन 9√3। तो ये टोटल वैल्यू होता है स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर डब्ल्यू नॉट, अगर डब्ल्यू नॉट एक्स दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा कि डब्ल्यू नॉट एल क्यूब अपॉन 9√3, रूट थ्री का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9327√3 ऐसा कुछ आएगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला है, ए ब्लॉक ऑफ मास एम रिलीज्ड फ्रॉम पॉइंट एस थ्रू ए इंक्लाइंड पे। अच्छा, तो ये सेम वही चीज बन रहा है जो अभी पिछला क्वेश्चन में था। तो यहाँ पर हमको पूछ रहा है देन द टाइम टेकन बाई, तो टाइम पूछ रहा है, तो टाइम के लिए क्या करेंगे, तो वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, या कि फिर ए डिस्टेंस एस दिया हुआ है तो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया है तो ये कट जाएगा, और एक्सेलरेशन हमने पहले ही निकाल लिया है तो 2s अपॉन एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमने क्या निकाला है, अभी एक्सेलरेशन हमने फाइंड किया है यहाँ एक्सेलरेशन जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, तो यही यहाँ पर वैल्यू रख देंगे जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, तो जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा और इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट में ये सब, तो ये फाइनली बनेगा 2s अपॉन जी। हम यहाँ पर कॉस थीटा की अगर वैल्यू कॉमन ले लें तो कॉस थीटा यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा 10 थीटा और माइनस 1, तो 10 थीटा माइनस यहाँ पर म्यू, तो फाइनली बनेगा ए ऑप्शन। फिर अगला है, फिर देखिए मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ ए थिन स्फेरिकल सेल। तो इस केस में अगर रहेगा सॉलिड तो सॉलिड के केस में होगा इतना, अगर हॉलो है तो हॉलो के केस में हो जाएगा 2/3, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कम्प्लीटली बैलेंस्ड सेवरल मासेस रिवॉल्विंग इन द डिफरेंट प्लेन। तो देखिए डिफरेंट प्लेन में बैलेंस करने के लिए हमको केवल 2 मास के चाहिए किसी 2 प्लेन में। फिर है, लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ ए स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में भी एक्सप्रेस्ड। तो ये सबको पता है कि आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन एन, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। प्लस द इफेक्ट ऑफ द मास ऑफ ए स्प्रिंग कैन बी कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग द नेचुरल फ्रिक्वेंसी। तो देखिए हम जो मास लेते हैं तो स्प्रिंग का मास हम लेंगे तो m/3 उसका हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा उसका। फिर फाइनली ms/3 हम लोग लेते हैं तो इसका हो जाएगा n इज इक्वल्स टू 1/3। अगला क्वेश्चन है, रेडियल कैम ट्रांसलेटिंग फॉलोवर मैकेनिज्म द ऑफसेट इज प्रोवाइडेड। तो देखिए ऑफसेट साइड थ्रस्ट को कम करने के लिए रहता है, तो उसको जब लगा देंगे तो डिक्रीज इन द प्रेशर एंगल ड्यूरिंग द एक्सेंट ऑफ द फॉलोवर, बी ऑप्शन। फिर 20 डिग्री फुल डेप्थ इन्वोल्यूट प्रोफाइल 19, तो ये दिया हुआ सेंटर डिस्टेंस निकालना है, तो सेंटर डिस्टेंस के लिए हम mt/2, ये रेडियस होगा एक का, तो mt1/2 प्लस mt2/2, तो m/2 कॉमन ले लेंगे, t1 + t2 करेंगे तो 140 आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, इनिशियल टेंशन इन द बेल्ट ड्राइव टी नॉट। तो इनिशियल टेंशन दिया हुआ है टी नॉट और एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन द बिल्ट स्पीड। तो देखिए बिल्ट स्पीड मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन में होता है t/3m, लेकिन जो यहाँ पर जो टी रहेगा वो टी मैक्सिमम रहता है, लेकिन हमको टी नॉट के फॉर्म में बताना है, तो टी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू 3t0, तो 3 3 कट जाएगा, t0/m ए ऑप्शन आएगा। फिर 71st में देखिए, कैंटिलीवर बीम है 2 मीटर इन द लेंथ इज सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इतना दिया हुआ है, ई वगैरह सब दिया है, तो इसमें हमको फाइंड करना है स्ट्रेन एनर्जी। तो देखिए स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला होता है m² dx अपॉन 2EI, तो इसमें हम मोमेंट निकाल लेंगे और फिर उसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसका एक इक्वेशन बनेगा
हम सीधे इक्वेशन बता दे रहे हैं क्या होता है। तो देखिए इक्वेशन बनेगा डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन 8EI, तो डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन 8EI इंटू में एक्स टू द पावर ऑफ 4 dx। ये आप सॉल्व करेंगे तो आएगा, तो इसका सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 40 न्यूटन मीटर। अगला है फॉर द प्लेन स्ट्रेस जोन, तो ये दिया हुआ है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अननोन शेयर स्ट्रेस। तो देखिए यहाँ पर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया है 10, तो 10 इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू। तो एक्स में दिया हुआ है 8 किलो पास्कल, वाई नहीं दिया है, मतलब 8 अपॉन 2 4, तो प्लस अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस जो ये टाउ लग रहा है तो टाउ का स्क्वायर। तो 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 6 6 36 36 माइनस 16 तो हो जाएगा 20। तो अंडर रूट 20 इज इक्वल्स टू टाउ जो कि आएगा 4.47। फिर है हमको बताना है कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मोहर सर्किल, तो सेंटर इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा। पहले कितना दिया है 200, सिग्मा एक्स में 200, तो ये 100 200, तो ये 200 इधर था और इसमें -100, तो -100 कुछ ऐसा आएगा। देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाई टू ये रहेगा इसका सेंटर। तो कैसे निकलेगा, 200 माइनस 100 करेंगे तो 100 100 5 2 मतलब 50, तो इसका जो सेंटर आएगा वो 50 और 0 पर, तो 50 एंड 0। फिर व्हाट इज द मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय ए होलो शाफ्ट ऑफ एक्सटर्नल रेडियस आर दिया है, इंटरनल रेडियस दिया स्मॉल आर, मैक्सिमम अलाउबल शियर स्ट्रेस तो टाउ। इसमें हमको क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम टॉर्क। तो मैक्सिमम टॉर्क कैसे निकलेगा, तो टी इज इक्वल्स टू पाई बाई सिक्सटीन, तो टाउ क्या होता है d^4 - d^4/d, ये होता है ठीक ना। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, फाइनली आ जाएगा यहाँ डी 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर इसको आर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 16, ये भी नीचे आर में कन्वर्ट होगा तो हो जाएगा 2, मतलब 2 8 16, तो 8 ये कटेगा तो 8 2 16, मतलब π/2 r, तो ये नीचे बनेगा और टाउ आर टू द पावर ऑफ माइनस स्मॉल आर टू द पावर ऑफ 4, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर अगला है 75th नंबर में मासलेस बीम दिया हुआ है, लोडिंग पैटर्न इज शोन इन द फिगर, इतना दिया है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ कहीं आएगा, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 2.5 मीटर फ्रॉम ए सॉल्व करने पर आएगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला है इंटरनल प्रेशर एंड द एक्सटर्नल रेडियाई ऑफ अ थिक सिलेंडर ए एंड बी, तो रेडियल स्ट्रेस निकालना है, इसका रेडियल स्ट्रेस सिंपल फार्मूला है, सी आएगा। फिर आगे है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट दिया है, टॉर्क ट्विस्टिंग मोमेंट दिया है, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला होता है 1/2 1/2, तो एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो ये फार्मूला होता है, इसमें हम रख देंगे तो टी दिया हुआ है 0.75, तो 1/2 × 0.75 प्लस अंडर रूट ऑफ 0.75 टू द होल स्क्वायर प्लस ट्विस्टिंग मोमेंट कितना दिया है 1, तो 1 का होल स्क्वायर, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो फाइनल इसका आएगा, सॉल्व कर लेंगे तो इसको ऐड करेंगे टोटल 2 आएगा, 2/1 करेंगे तो आ जाएगा, सॉरी 2/2 करेंगे तो आ जाएगा 1, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। फिर अगला है इफ द साइज ऑफ द स्टैंडर्ड स्पेसिमेन ऑफ ए फटीग टेस्टिंग, तो ये हम पहले ही बात कर चुके हैं डिजाइन में, इसका सी ऑप्शन होगा, डिक्रीसेस एंट्रेंस लिमिट उसका डिक्रीज होगा। फिर इफ द लोड ऑन द बॉल बेयरिंग इज हाफ इट्स लाइफ, तो देखिए लाइफ इज इक्वल्स टू सी अपॉन 2 टू द पावर ऑफ एन, तो यहाँ बॉल बेयरिंग है तो n इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, और यहाँ पर लोड हाफ करने के लिए बोल रहा है, तो 1/2 करेंगे तो 2 पर जाएगा, तो 2 3 8, तो 2^3 इज इक्वल्स टू 8, तो 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, तो इंक्रीज 8 टाइम्स। फिर अगला क्वेश्चन है द डिफ्लेक्शन ऑफ ए क्लोज्ड डिफ्लेक्शन ऑफ द क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग, तो 20 एक्टिव टर्न थे, हमने क्या किया कि उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, स्प्रिंग इज डिवाइडेड इनटू द टू पीस, तो देखिए जब दो पार्ट में उसको डिवाइड करेंगे तो स्टिफनेस हो जाएगा 2 टाइम्स, और नंबर ऑफ एक्टिव टर्न्स तो 10 कर दिए, नंबर ऑफ एक्टिव टर्न्स भी हमने कम कर दिए, तो वो भी डबल हो जाएगा, स्टिफनेस उसका भी इंक्रीज कर देगा, तो जो टोटल डिफ्लेक्शन रहेगा तो डिफ्लेक्शन 4 टाइम कम हो जाएगा, तो
टोटल डिफ्लेक्शन पहले 10 था, तो 10 अपॉन 4 कर देंगे तो हो जाएगा 2.5। फिर है फाइंड द डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए रोलर बियरिंग इफ द शाफ्ट रोटेट्स एट ए 15। देखिए इसमें दिया हुआ है हमको कि रेडियल लोड 6 किलो न्यूटन है, और यहाँ पर हमको पूछा है डायनेमिक लोड मतलब सी अपॉन पी टू द पावर जो एन होता है, तो पी दिया हुआ है 6 और हमको सी पूछ रहा है। तो वैसे इसमें ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि देखिए उसमें 6 तो वही तो होगा नहीं, तो इसको काट दीजिए। फिर 54,000 नहीं होगा और 60,000 नहीं होगा किलो न्यूटन, क्योंकि जब 6 किलो न्यूटन केवल यही है तो इसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना होगा, इतना थोड़ी होगा। तो इस वजह से सीधे बी ऑप्शन, बाकी आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो भी वही आएगा। फिर बेयरिंग प्रेशर, तो प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं तो लोड जितना लग रहा है, और एक डाया है और लेंथ है, इसका प्रोजेक्ट करेंगे तो एक रेक्टेंगल बनेगा, तो एक एरिया रेक्टेंगल का होगा डी इंटू एल, तो इस वजह से डब्ल्यू अपॉन डी एल हो जाएगा। फिर है डेल्टा आयरन, तो देखिए डेल्टा आयरन ये उसकी बात कर रहा है कि पहले गामा के बाद जो फेज डायग्राम में रहता है तो वो डेल्टा रहता है, जो कि है 1400 से 1539 के बीच में। अगला है यूटीएम मशीन में, तो देखिए यूटीएम मशीन में हम तीन चीजें हमको फाइंड होती हैं, लोड इलोंगेशन और उसका इंड्योरेंस स्ट्रेंथ ई। फिर आगे चलते हैं, तो पर्पज सॉरी प्रोसेस विच डू नॉट इम्प्रूव द फटीग स्ट्रेंथ, तो देखिए पोलिशिंग से फटीग स्ट्रेंथ इम्प्रूव होता है, कोल्ड रोलिंग से भी होता है और शॉर्ट पिनिंग से भी होता है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से नहीं होता, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से कोरोजन रेजिस्टेंस वगैरह इम्प्रूव होता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर 86 नंबर में चलते हैं, 86 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ पॉलीमर कंपोजिट मटेरियल, तो देखिए पॉलीमर कंपोजिट मटेरियल का सारा एडवांटेज यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये ऑल ऑफ द अबव होगा। फिर है स्टेनलेस स्टील आर हाईली कोरोजन रेजिस्टेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ तो क्रोमियम। फिर पैकिंग एफिशिएंसी, इसमें लगभग क्रोमियम रहता है 14%, 12-14%। फिर पैकिंग एफिशिएंसी बीसीसी का पूछ रहा है तो 68%। फिर यहाँ पर गिवन द एरिया एट पॉइंट टू, एरिया एट पॉइंट टू दिया हुआ है, एरिया थ्री का निकालना है, एस्पायरेशन इफेक्ट से बचना है, तो देखिए एस्पायरेशन इफेक्ट से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एरिया इंटू वेलोसिटी, देखिए जो उसका मास फ्लो रेट है एम बैलेंस कर देंगे, ठीक ना, तो डेंसिटी चेंज नहीं हो रहा है, एरिया इंटू वेलोसिटी कर देंगे, तो 2 पॉइंट का एरिया 125 इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh, तो हाइट कितना है 2 पॉइंट का 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ 10 कर देंगे इज इक्वल्स टू एरिया एट 3 इंटू अंडर रूट 2gh, तो h कितना है 3 पॉइंट का टोटल एरिया कितना है 25 10 35, ये हो जाएगा 35, तो A3 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 125 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3.5, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 66.815, तो सी ऑप्शन। अगला है स्प्रिंग बैक ड्यूरिंग द शीट मेटल ऑपरेशन इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ द, तो स्प्रिंग बैक क्यों होता है कि एनर्जी रिलीज करता है जितना इलास्टिक डिफॉर्मेशन में रहा होगा, तो रिलीजेस द स्टोर्ड एनर्जी ड्यूरिंग द इलास्टिक डिफॉर्मेशन। फिर आगे है कूलेंट ऑन, कूलेंट ऑन देखिए एटीपी में कूलेंट ऑन पोस्ट प्रोसेसर स्टेटमेंट है, ज्योमेट्री वगैरह उसके ज्योमेट्री को देखने के लिए होगा, मोशन को कमांड देने के लिए रहेगा, तो पोस्ट प्रोसेसर स्टेटमेंट है ये, तो 91 में सी हो जाएगा। अगला है इन द ऑर्थोगोनल कटिंग ऑपरेशन इज बीइंग कैरिड आउट अंडर द फॉलोइंग कंडीशन, तो कटिंग स्पीड भी दिया है, डेप्थ ऑफ कट दिया, इतना चिप थिकनेस दिया, इतना व्हाट इज द चिप वेलोसिटी, तो देखिए चिप वेलोसिटी होता है वी सी अपॉन वी इज इक्वल्स टू आर चिप थिकनेस रेशियो, और आर इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है 0.5 अपॉन 0.6 मतलब 5/6, तो वी सी इज इक्वल्स टू 5/6 इंटू वी, वी कितना है 2 दिया है, तो 2 3 6 मतलब 5/3, तो 5/3 कितना हो जाएगा 5, 3 1 कम 3 2, तो 2/3 0.66, तो 1.66 हो जाएगा। फिर है लो हेलिक्स एंगल आर यूज्ड फॉर ड्रिलिंग होल्स इन, तो इसके लिए हो जाएगा प्लास्टिक्स, तो प्लास्टिक के लिए हम लोग लो हेलिक्स एंगल यूज करते हैं, ये ऑप्शन। फिर है इन अल्ट्रासोनिक मशीनिंग यूसीएम प्रोसेस द मटेरियल रिमूवल रेट विल बी हायर फॉर द मटेरियल विथ, तो मटेरियल रिमूवल रेट हायर रहेगा लोअर टफनेस के लिए। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द टाइप ऑफ फिट फॉर ए होल एंड शाफ्ट पेयर गिवन दैट, तो देखिए होल का दिया हुआ है 0 से, अगर एक होल है तो उसका दिया है 0 से 0.04 मतलब प्लस में कुछ है।
फिर शाफ्ट का दिया हुआ है 0.041, मतलब कि होल से भी ऊपर है, और 0.06 तक, मतलब ऐसा है कुछ शाफ्ट का। तो देखिए शाफ्ट का जो टॉलरेंस जोन है वो ज़्यादा है होल से, तो ये हो जाएगा इंटरफेरेंस फिट। फिर फॉर मशीनिंग सिरेमिक ग्लास एंड प्लास्टिक, तो देखिए नॉट अप्लीकेबल, EDM प्रोसेस में कंडक्टिव रहना चाहिए वर्क पीस एंड टूल, तो यहाँ पर कंडक्टिव नहीं है क्योंकि ग्लासेस प्लास्टिक एंड सिरेमिक है, तो EDM से नहीं होगा। कंपरेटर फॉर द वर्किंग डिपेंड्स ऑन द एक्यूरेसी कैलिब्रेटेड स्केल, तो इसका हो जाएगा कंपैरिजन विद द स्टैंडर्ड सच एज स्लिप गेजेस, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर है मशीनिंग प्रोसेस द परसेंटेज ऑफ द टोटल हीट जनरेटेड इन द शेयर एक्शन इज कैरिड अवे बाय द चिप, तो देखिए चिप ले जाएगा 80%। फिर ग्रुप टेक्नोलॉजी ब्रिंग्स टुगेदर एंड ऑर्गेनाइजेस, तो ये हो जाएगा कॉमन पार्ट्स प्रॉब्लम एंड टास्क, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग लेआउट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लार्ज एयरक्राफ्ट, तो देखिए लार्ज एयरक्राफ्ट है तो एक ही जगह उसका सब काम करना है, तो हो जाएगा फिक्स्ड पोजीशन लेआउट। फिर है द लिविंग बेसिक वेरिएबल इन ए सिंप्लेक्स मेथड इज द बेसिक वेरिएबल दैट हैज द स्मॉलेस्ट कोफिशियंट के इन द की रो, तो ये हो जाएगा जो रिप्लेसमेंट रेशियो वाला टर्म रहता है उधर साइड, तो उसमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू रहती है उसी को लेते हैं। तो यहाँ से फिर मटेरियल हैंडलिंग एंड द प्लांट लोकेशन इज एनालाइज्ड वाई, तो ये हो जाएगा ट्रेवल चार्ट। फिर इन द पार्ट एंड द CBM नेटवर्क द डमी एक्टिविटी, तो डमी केवल रिलेशन बस बनाता है उससे, तो प्रिजर्व द लॉजिक। फिर 104 में देखिए द फॉलोइंग मेजरमेंट आर कैरिड आउट बाय द इंटरनल स्टेट सेंसर्स एंड इन द इफेक्टर, तो इसका हो जाएगा पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। इन माइक्रो प्रोसेसर रिस्क स्टैंड फॉर, तो रिस्क हो जाएगा रिड्यूस्ड, तो ये रिड्यूस्ड वाला हो जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द एंटी क्लॉकवाइज एंड द क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट द वर्टिकल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द आर्म, तो इसका हो जाएगा आर्म स्वीप, बी ऑप्शन। फिर PLC ऑपरेट्स ऑन द फॉलोइंग सिग्नल्स, तो PLC ऑपरेट करता है एनालॉग सिग्नल में। फिर है डिस्क रोटेट कर रहा है, इसमें लीनियर वेलोसिटी स्पीड एक्सेलरेशन, तो इन सब में बताना है कौन सा गलत है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है लीनियर वेलोसिटी ऑफ ऑल द पॉइंट्स इज डिफरेंट, तो लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट नहीं होगा, लीनियर वेलोसिटी सेम होगा जो कि वी होगा। और फिर अगला है द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास 30 एंड 10 kg respectively with equal kinetic energies, तो यहाँ पर बताना है मोमेंटम का रेशियो। तो देखिए ये पहले इक्वल काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर दोनों का सेम होगा, तो अगर 30 वाले को हम V1 बोलते हैं इज इक्वल टू 10 वाले को V2, तो 10 3 या 30, तो V2 इज इक्वल टू √3V1, ये हो जाएगा ठीक। और फिर मोमेंटम का रेशियो मतलब 30 × V1 अपॉन 10 × V2, तो m1v1 अपॉन m2v2 रेशियो निकाल लेंगे, तो v1 इज इक्वल टू √3v2 है, तो सॉरी v2 इज इक्वल टू √3v1 है, तो यहाँ पर हम √3v1 रख देंगे। v1 कट जाए 10 3 30, तो 3 अपॉन √3 करेंगे तो √3 आएगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर 110 में देखिए बोल रहा है कि कंडीशन फॉर द स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम इज टर्म्ड पोटेंशियल एनर्जी u इज, तो देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए जो ∆2u है, तो ∆2u/∆x2 <0 होना चाहिए, तो ये होगा और ∆u = 0, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर है फोर फोर्सेस, तो ये फोर्सेस दिए हुए हैं, इनमें हमको रिजल्टेंट निकालना है। तो देखिए एक पॉइंट हम ले लेते हैं ए पॉइंट, तो यहाँ से ऊपर की तरफ देखते हैं तो 400 ऊपर है और 800 नीचे लग रहा है, मतलब टोटल नीचे 400 लगेगा। और फिर यहाँ से देखते हैं तो 600 लेफ्ट साइड लग रहा है, 200 राइट, मतलब कि टोटल 400 लगेगा इधर, तो इसका जो रिजल्टेंट बनेगा तो 400√2। तो जब 400√2 आ गया तो कुछ निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये दूसरा ऑप्शन √3 का है। फिर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ एल कैरीज लोड डब्ल्यू, तो यहाँ पर दिया हुआ है हमको निकालना है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो हमने पहले ही बात की कि इस जो ये केस रहता है तो इसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है इधर एल अपॉन √3 डिस्टेंस पर, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर है 113 में हमको निकालना है कि मेंबर कितना लग रहा है ए बी में, तो देखिए इसको हम कट कर देंगे यहाँ से, तो जो ये फोर्स रहेगा यहाँ पर टेंशन, तो एफ ए बी
एफ ए बी इंटू, इधर इसका इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लेंगे इसी पॉइंट के अबाउट, तो एफ ए बी इंटू पॉइंट फाइव इज इक्वल्स टू 10 इंटू, तो ये जो डिस्टेंस है 1 मीटर, तो 1 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे तो 10 अपन पॉइंट फाइव मतलब 20 किलो न्यूटन, तो सी ऑप्शन। फिर अगला है, इफ द प्रोपेलर ऑफ एरोप्लेन रोटेट्स, तो क्लॉक वाइज व्यू रियर एंड सेम देख रहे हैं उसको, एरोप्लेन टेक द राइट टर्न। तो देखिए इस केस में हो जाएगा टेन टू रेज द टेल एंड डिप्रेस द नोज, ए ऑप्शन। फिर आगे चलते हैं, मैन इज क्लाइंबिंग अप टू द लैडर विच इज रेस्टिंग एज द वॉल व्हेन हाफ वे अप द लैडर स्टार्ट स्लिपिंग, तो जब आदमी आधे दूरी पर पहुंचता है तो स्लिप होने लगा, तो ये जो पूरा कर्वेचर बनाएगा तो एक सर्कल की तरह बनेगा, तो एक सर्कल की तरह बनेगा, फिर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, व्हेन द प्राइमरी डायरेक्ट क्रैंक ऑफ ए रेसिप्रोकेटिंग इंजन, तो प्राइमरी डायरेक्ट क्रैंक अगर 30 डिग्री से है तो सेकेंडरी 60 डिग्री क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि वो क्लॉकवाइज था तो जब रिवर्स करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, और सेकेंडरी है प्राइमरी अगर 30 था तो सेकेंडरी 2 थीटा होता है तो 60 होगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला है, यहाँ पे हमको निकालना है टाइम पीरियड, तो देखिए हम पहले ओमेगा फ्रिक्वेंसी निकाल लेंगे, तो अगर कुछ रॉड ऐसा जाता है तो ये इसका जो टॉर्क मोमेंट मेथड से हम इसमें फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो जो एम जी रहेगा और एल बाई टू, ये अगर थीटा मान लेते हैं तो टोटल जो मोमेंट रहेगा ओ पॉइंट के अबाउट उसको निकाल लेंगे, तो एम जी इंटू एल बाई टू साइन थीटा, थीटा की वैल्यू स्मॉल रहेगी तो साइन थीटा की जगह थीटा रख देंगे, प्लस इस पॉइंट के अबाउट रोड का मोमेंट ऑफ इनर्सिया हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई थ्री और इंटू थीटा डबल डॉट, तो इसका जो ओमेगा बना फ्रीक्वेंसी बना वो हो जाएगा एम जी इंटू एल बाई टू अपॉन एम एल स्क्वायर बाई थ्री अंडर रूट में, तो एम से एम कट गया और डिनोमिनेटर में एल रहेगा तो मतलब थ्री जी अपॉन टू एल, तो ये बना ओमेगा, तो इसका जो फ्रिक्वेंसी रहेगा वो हो जाएगा वन अपॉन टू पाई अंडर रूट थ्री जी अपॉन टू एल, इसका जो टाइम पीरियड रहेगा तो इसका अपोजिट कर देंगे मतलब बी ऑप्शन। फिर आगे है, 60 केजी ऑफ मैन वेटिंग बैलेंस इतना 54 केजी इन द लिफ्ट विच एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट, तो देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्सीलरेटेड डाउनवर्ड मतलब लिफ्ट कोई नीचे जा रहा है, तो अगर टेंशन टी ऊपर लग रहा है आदमी का वेट नीचे है तो 60 जी, तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगा 60 जी माइनस टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मैन इज अ वेइंग बैलेंस इज इतने, तो जो टेंशन टी है तो यहाँ पर वेइंग बैलेंस कुछ लग रहा होगा, तो यहाँ 54 कर देंगे इज इक्वल्स टू 60 टू एक्सेलरेशन, तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे तो लगभग आ जाएगा 0.98। फिर आगे चलते हैं, आई स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नेचुरल फ्रिक्वेंसी, यहाँ पर हमको डंकर्ली मेथड और रेले मेथड दो मेथड से निकालना है तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, तो देखिए इसके लिए डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर थिन स्पेरिकल सेल सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल प्रेशर इतना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है, तो देखिए इसमें हम पहले अगर एक साइड का निकाल लेते हैं तो सेम होने के कारण 3D अपॉन 3 डेल्टा D अपॉन D कर देंगे, तो 3 टाइम्स हो जाएगा लास्ट में, लेकिन एक साइड का निकालते हैं तो जैसे कि अगर हम D का निकालते हैं तो PD अपॉन 4TE, PD अपॉन 4TE अगर सिग्मा X लग रहा होगा तो माइनस म्यू PD अपॉन 4TE सिग्मा Y और माइनस म्यू PD अपॉन 4TE, ये हो जाएगा सिग्मा Z, तो जो डी डायमेट्रिकल स्ट्रेन रहेगा तो वो हो जाएगा PD अपॉन 4TE कॉमन ले लेंगे और इंटू 1 माइनस 2 म्यू, अब इसी का हमको 3 टाइम कर देंगे, तो इसी का 3 टाइम्स हो जाएगा, फिर सी ऑप्शन। फिर आगे चलते हैं, When there is sudden increase or the decrease in the shear force, तो shear force में sudden increase या decrease होगा तो point load लग रहा होगा, जैसे यहाँ अगर point load लगता है ऐसे गया, फिर ये नीचे तभी जाएगा या ऊपर तभी जाएगा जब सीधे
पॉइंट लोड लग रहा होगा, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड रहेगा तो ये वेरी करेगा इस तरीके से, सडन डिक्रीज नहीं होगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन ए सॉलिड शाफ्ट ऑफ डायमीटर डी लेंथ एल, टाउ दिया है, इनसाइड आउटसाइड दिया है, सेम एंगल वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन ए हॉलो शाफ्ट। तो देखिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो इसका रहेगा तो टाउ अपॉन आर इज इक्वल्स टू जी थीटा बाई एल, तो यहाँ जी सेम है, सेम मटेरियल है, थीटा सेम बोल रखा है, लेंथ सेम है, तो टाउ प्रोपोर्शनल टू आर, और आर यहाँ पर आउटर डायमीटर होगा तो हॉलो और सॉलिड दोनों का डी दिया है, तो इस वजह से सेम रहेगा शियर स्ट्रेस टाऊ। फिर है स्प्रिंग यूज टू अब्सॉर्ब द शॉक एंड द वेरिएशन, तो शॉक एंड वाइब्रेशन के लिए लीफ स्प्रिंग रहेगा, सी ऑप्शन। फिर है टू शाफ्ट ऑफ द इक्वल लेंथ एंड द सिमिलर मटेरियल इन विच द हॉलो एंड अदर इज सॉलिड ट्रांसमिटिंग द सेम लेवल ऑफ टॉर्क, इन साइड डायमीटर इज 2/3 ऑफ द आउटसाइड डायमीटर ऑफ ए होलो शाफ्ट, द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द होलो शाफ्ट टू द वेट ऑफ द सॉलिड शाफ्ट। तो देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो फाइनल सॉल्व करने के बाद आएगा 0.642 समथिंग, और लास्ट है फॉर द स्टेट ऑफ स्ट्रेस प्योर शियर टाउ स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन द इलास्टिक होमोजीनियस आइसोट्रोपिक इतना पॉइजन रेशियो इतना, तो देखिए इसमें होता है वॉल्यूम जो हम लोग निकालते हैं क्या होता है टाउ स्क्वायर अपॉन 2g, और यहाँ पर जी को कर दिया है ई में कन्वर्ट, तो ई इज इक्वल्स टू होता है 2g 1 प्लस न्यू, तो यहाँ 2g की वैल्यू रख देगा तो ये हो जाएगा ई अपॉन 1 प्लस न्यू, तो हो जाएगा ए ऑप्शन। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।